नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया पोस्ट न्यूज। खबर है उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद का। आइए देखते हैं इसकी एक बड़ी खबर। संदिग्ध परिस्थिति में जलकर मां बेटे की मौत। छोटे पुत्र को अस्पताल में किया गया रेफर। आग लगने की घटना से फैली सनसनी। मृतका के भाई ने ससुराली जनों पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। घटनास्थल पर थाना पुलिस एवं फॉरेंसिक टीम मौजूद। मामला जनपद के फम्फू थाना क्षेत्र के फक्कड़पुर गाँव का है। रवि वर्मा क्राइम रिपोर्टर, आप देखते रहिए इंडिया पोस्ट न्यूज। हम जल्दी लौटेंगे। कि क्या रिश्ता? वो मेरी बहन है। कहाँ के रहने वाली है? ग्राम बची जसू थाना रूरा। क्या घटना हुई है? वो है दारू पी के रोज मारते थे और मिट्टी तेल डाल के जला दिया। कल शाम को बात भी हुई थी मेरे भाई से, बड़े भाई साहब से, तब भी यहाँ पुलिस आई थी। पुलिस ने समझा पीट की है, उसके बाद में जला भी दिया। दो बच्चे भी जले हैं? दो बच्चे भी जले हैं। एक बड़ा वाला बच्चा वो मर भी गए, खत्म हो गया। कोई पता नहीं ये कहाँ सैफ आई अस्पताल भेजे गए थे। और रंजीत ने भी फोन किया था एक लोगों के पास। शराबी पति ने पत्नी व मासूम जो जिंदा जला दिया है, क्या है वो मामला? ये ऐसा मामला है कि सुमन देवी नाम की महिला है, कानपुर देहात में इसका मूल रूप से घर था। इसकी शादी जो है फक्कड़पुर गाँव में फपू थाना अंतर्गत रंजीत से हुई थी। 5 साल पहले शादी हुई थी। दो बच्चे हैं, गौरव और सौरभ। तो इसमें आग से जलकर मरने की सूचना है। सुमन की वहीं मौके पर ही मौत हो गई थी। आग किन परिस्थितियों में लगी? परिजनों द्वारा दहेज फ्यूल लेकर के जलाकर मारने की तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आगे साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। सत्यता के आधार पर इसमें विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, कितने लोगों की मौत हुई है? एक सुमन देवी और एक बच्चे की भी मौत हो गई है। अभी वो परिजन ही बता रहे हैं, उसको पुष्ट।